गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। एक समय एक व्यक्ति एक संत के पास जाता था और उसका शिष्य भी बन गया था। और वो संत पतले दुबले से रहते थे, कुछ ज्यादा विशेष जैसे फल रखा है वो कम्मा खाया करते और दूध होता था। वो शिष्य जाता था, उसको कहता था कि गुरुजी, जैसे कभी कभी जाता था 10-5 दिन महीने में कि महाराज जी आप तो बहुत पतले दुबले हो, कुछ खाते पीते नहीं। तो महाराज जी कहने लगा, भाई मेरे को मौत दिखाई दी है बेटा, इसलिए मैंने अच्छा ना लगता कि महाराज जी कब मृत्यु होगी, कब है आपका यहाँ से जाना होगा, कि अभी अभी तो 40 साल रह रहे हैं, 40 वर्ष रहते हैं फिर क्यों चिंता करते हो, ले तो सब नहीं तो मरना है। तो उसने कई बार ये बातें कह दी, आप साधु संत होकर ऐसे डरते हो, ये तो सभी ने मरना, इससे भी क्या डर। एक दिन क्या हुआ, वो संत कहने लगा कि भाई दिखाइए तेरा हाथ रे। उसने हाथ देख कर बता दिया कि भाई बेटा तू तो 7 दिन का मेहमान है, 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी बेटा, है तो थोड़ा उम्र तेरी तो रहे। कि सचमुच महाराज, कहा भाई कथी ये तो तेरा लेख बतावे है, जब वह उठ लिया जाड़ी बंद होगी उसकी, घर आ गया नोट टूट धीरे धीरे कर कर खाट पर लेट गया चारपाई पर। घर वाले कहने लगे क्या हो गया, बोल रहे नहीं बताओ तो क्या हो गया, कि मैं तो 7 दिन का मेहमान हूं। वो कहने लगी कैसे क्या बात हुई, कि महाराज जी ने बताया है। और वो संत की काफी प्रसिद्धि थी कि वो जो कहते सच्ची होती है। तो सारे घरवाले भी रोन पीटन लाए गए और रिश्तेदार मिलने के लिए आने लग गए। 7 दिन में सूख का कट्टा हो गया, ना कि मैं खाया जा, रोट कर रोटी खा ले कोई ना खाई जाती, मुश्किल से एक टूक खावा लौट जा जो मैं 7वें दिन मरूंगा। अब महात्मा फिर पहुंचे 7वें दिन, जब अंतिम दिन गणे था आज तो क्या बात, क्यों सूख लिया कति खाना पीना पे छूट गया, मर लिया होता है। महात्मा जी गए, सब गांव घरवाले भी कहने लगे महाराज बड़ी अच्छी बात होगी, आप भी आगे अंतिम समय आपके दर्शन कर लेगा आपका भगत, ये तो बहुत बुरी बनी, इसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, अब क्या होगा। गुरु जी आए लोटा लोटा देखे, अरे बेटा बहुत कमजोर हो गया तू तो है। महाराज जी बोले बेटा बहुत कमजोर हो गया, कि मैं खाता पीता नहीं जी, कुछ भी ना अच्छा लगता, कुछ भी ना लगता, मन तो सब प्राय प्राय दिखे, अपना महसूस नहीं हो रहा। तो संत बैठ के उसने कहा बेटा देखो कितना समय हो रहा है, आज कब मरेगा तू, आके देख लो जी, देख लो बेसिक देख लो। देख के महाराज जी बोले अरे भाई बेटा मेरे तक कैलकुलेशन में गड़बड़ रहेगी, 7 दिन नहीं, ये तो 70 वर्ष की उम्र है अभी, तो तू 30 वर्ष का बेटा, 40 वर्ष रह रही है, अक्सर से मुझे एक बार फिर देखियो, फिर देखियो एक बार। कहा बेटा सच्ची है तो 70 साल जीवेगा। जब वह उठ गया और बैठ गया जो महाराज जी बोले बेटा तने खा पिया क्यों नहीं 7 दिन में, महाराज जी कत्ती जी दिख रहा था, मन तो 7वां दिन दिखा था। तो बेटा मुझे वो जो 40 वर्ष मेरे शेष रहते हैं वो 40वां दिन मैंने ऐसे दिखा जैसे तने यू भी दिखा, जब तने कहा था किसी ने क्यों सब ने मरना क्यों डरना ये पेरा पटा कैसे मरते। परमात्मा कहते हैं या दुनिया का जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नो, और शील संतोष विवेक विचारो और दूर करो जुलमाने नो,
ये जो कहर तोल रहे हो, जुल्म कर रहे हो, चोरी मिलावट रिश्वत खोरी कहते, इस पाप ने दूर करो और नेक नीति से जियो, तो इस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा। ये बात बनाने तो नहीं, मैंने कह दिया, आपने सुन ली, बड़ी बढ़िया सत्संग सुना, बड़ी अच्छी बात बताई महाराज जी ने, और बकवाद वही करो। कहते ये बातें कहन सुन की नहीं, ये करपाड़न की है, ये कोई डूम भाट के गीत नहीं कि वैसे रिक्रिएशन करने आते हो आप। हृदय में जगह बन जाना चाहिए, जख्म हो जाना चाहिए इस बात का कि संसार में आप ज्यादा समय नहीं रहो। जैसे एक समय नानक साहिब जी के पास श्रद्धालु जाया करते थे और साधु संत उदासीन हो जाते हैं संसार से, जब ज्ञान हो जाता है उदास रहते हैं, क्योंकि संसार में अपना सा कुछ भी नजर नहीं आता। जब ज्ञान हो जाएगा एक औपचारिकता शेष रह जाती है, लेकिन साधु संत किसी से विरोध और कोई नफरत नहीं करते, लेकिन ये अपना सा नहीं लगता। जैसे होटल में रहता है ना इंसान, होटल में सारी सुविधाएं होती है, बेड भी, चेयर भी, सोफे भी, और सारे टेलीविजन भी लगा हुआ होता है, तो वो उसको पता है कि मेरा नहीं है, जब तक मैं हूं यहां तब तक इससे हमने केवल इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहां परमात्मा भी कहते हैं ये काया तेरी है नहीं, माया कहां से हो जिसने तू अपना मानने बैठा, ये काया तेरी है नहीं माया कहां से हो, और चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों मानक हो, यह शरीर भी तेरा नहीं, यह संपत्ति और ये कोठी कार तेरी नहीं, इन दोनों ने भूल जा और भगवान के चरणों में विशेष कसक बनाकर जी, और जब तक इस होटल में है अपना ठीक है, इनका उपयोग कर, कार है, कोठी है, मकान है, जो कुछ भी रहे, लेकिन रह ऐसे जैसे होटल में रहते हैं, और ये होटल है तेरे आज समझ में आ जाओ चाहे और कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। तो तब हम इसको अपना नहीं मान सकते जब होटल नजर आओगा, होटल है ये, लेकिन अभी हमारी भांगना उतरी, इतना अपना लग गया है, लेकिन होटल में से ले जाकर दिखाइए कोई कुर्सी वहां से, जब वह छीन लेंगे फिर बैठ। तो इसी प्रकार कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बिगारे। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, यो भ्रम रहा संसार, और एक रति कंचन एक ग्राम सोना स्वर्ण पाया नहीं वो रावण चलती बार जाते समय। रावण कहते सरो सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीर। इतना सोना था, सोने के महल बना रहा था, चलते समय एक ग्राम भी सोना रावण नहीं ले जा सका। तो इस प्रकार नानक जी के पास भक्त जाते थे और पूछा करते थे कि महाराज आप तो उदास से रहते, कुछ ही जाते जो नए नए जाते हैं, और कहते थे महाराज आप तो उदास से रहते हो, मायूस से रहते हो, साधु संत फकीरों को भी क्या दुख होता है। नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विद डल जा पास आवे, अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। कि ना जाने ये काल के लोक में, इस गंदे लोक में कब के बिजली गिर गया, एक सेकंड का भरोसा नहीं, और ऐसे लोक में और हम हंसे डीजे बजावे नाचे गावे वाह हक रहे, तो हमने भांग पी रखी है। एक लड़के का विवाह हो रहा था, अगले दिन बरात जानी थी, उससे पहले दिन सब नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, बहन भी नाच रही, माँ भी, बाप भी, और अगले दिन वो जो बरात जाने लगी उस दूल्हे वाली कार टकराएगी एक दूसरी गाड़ी से, टैंकर से, और उसमें क्योंकि दूल्हे के साथ इम्पोर्टेंट पर्सन बैठा करे उस परिवार के, कोई बहन का बटेऊ था, कोई रिश्तेदार घना निजी था, और वो आठ के आठ मर गए इंक्लूडिंग वो दूल्हा। अरे अगले दिन पेपर मारे नो टक्कर मारे बाल पाड़े और सिर फोड़े बहन बेटियां सारे, अब चाट ले उस डीजे ने बजा लो डीजे। तो पुण्यात्माओं इन बातों को अर्जुन रचाना पड़ेगा, अपने जब भक्ति करना चाहते हो, यदि स्टूडेंट बनना चाहते हो, भक्त बनना चाहते हो, तो ये बकवाद छोड़नी पड़ेगी, तब यह भक्ति सफल होगी, ना तो बेसिक बात बनाओ। ठीक है जैसा करोगे वैसा अपने मिल जरूर जाएगा, लेकिन मोक्ष शेष रह जाएगा। तो नानक साहब जी कहा करते ना जाने काल की कर डारे किस विद्रल जा पास आवे, और जिन आते सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे।
फिर नानक साहब जी से पूछा, क्या आप कभी खुश नहीं होते? तो कहते हैं कि खुश होता हूं, साध मिले सड़ साधी होंदी और विछड़ जा दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जी हाँ ना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले, ये मेरी साध संगत जो मेरे सेवक हैं, भक्त हैं, जब ये सत्संग सुनने के लिए आते हैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और जब ये यहां से बिछुड़ कर जाते हैं मुझे चिंता लग जाती है। किस चीज की? कि मुश्किल से इनको सिरे चढ़ाया है, भगवान के निकट लाया हूं, और मैं एक अकेला इस सच्चे ज्ञान को बताने वाला हूं, और संसार में ना जाने कितने भ्रमित करने वाले ये सिर फिरे संत और महंत बैठे, ये भगवान का बगीचा लगा रहा हूं। जब ये यहां से जाते हैं मुझे चिंता बन जाती है कि ये किसी भ्रमित व्यक्ति से मिलकर कहीं अपने मार्ग से ना विचलित हो जाए, मुझे यह चिंता लग जाती है। और जब ये यूं के यूं आते हैं और अधिक आते हैं तो उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं है। साध मिले सड़ साधी होंदी भी छड़ जाए दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहादा, या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, या भक्ति जो है इतनी कठिन बना दी नकलियों ने, सैकड़ों प्रकार की बकवाद, ये कर लो वो कर लो, वहां जाड्डी ने पूज लो, वहां तुलसी ने पूज लो, कि तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों तक सीमित कर दिए। कहते हैं या फकीरी भक्ति मुश्किल बना दी इन्होंने। तो जब ये सब भक्त वापस आते हैं तो मैं फूला नहीं समाता कि भगवान के बच्चे अभी सुरक्षित हैं, और जब ये जाते हैं तो मुझे दुख होता है क्योंकि यह भक्ति बड़ी कठिन है, इसे एक बार पैर फिसला फिसला फिर तो काल के ही जाल में प्राणी रह जाता है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।